भाई साहब वो वाला ना, वो वाला बहुत हरामी है। मैं आपको इनके घर दिखाता हूँ। ये यहाँ पे गेट बना रखा है इन्होंने, ये पुराने मतलब आज से 10-15-20 साल 15,000 साल पहले आज भी है उन्हीं तौर तरीकों से जीते आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला। अब ये थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे हैं। ये था इनका ट्रेडिशनल डांस। What's up guys, welcome back to the channel। और अभी मैं हूँ तंजानिया में लेक यासी, जो झील है यहाँ की लेक यासी, उसके पास हूँ। उसके पास मैं हरजावे ट्राइब से मिलने आया हूँ। आपने एक पहले वाला वीडियो भी देखा होगा, तो अभी इस वीडियो में मैं इनका रैंस एंड लोकल कल्चर, इनका कल्चरल डांस वगैरह, इनकी मेडिसिन वगैरह ये दिखाने वाला हूँ आपको। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, ये इनके तीर कमान है। ये बच्चों के तीर कमान टांग रखे इन्होंने, बच्चों को बचपन से ही प्रैक्टिस देते हैं ये, बचपन से ही प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग ले भी सकते हैं इनसे तीर कमान। बस इनको थोड़ा सा आपको गांजा देना पड़ेगा, ये गांजा मरीजवाना बहुत यूज़ करते हैं, आपको थोड़ा सा गांजा देना पड़ेगा। आप गांजा लाते हैं तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। एक्चुअली मैं गांजा लाया नहीं, अब मैं एक और वीडियो इनके साथ शूट करने वाला हूँ, तो तब मैं इनके लिए गांजा लेके आऊँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे तीर कमान है, और ये ऐसे जो बड़ा पेड़ होता है ना, मैंने दिखाया होगा सुबह आपको दूसरे पहले वाले वीडियो में, ऐसे बड़ा पेड़ होता है ना, उसमें इसको काट पीट के खोद काट के ना एक गुफा टाइप का बना लेते हैं, फिर उसमें ये लोग रहते हैं। ये यहाँ पे इनका लेडीज वगैरह है, ये सारे लोग अभी हंटिंग करके वापस आके घर पे बैठे हैं। ये मुखिया है, गाँव के मुखिया, ये चप्पल बना रहे हैं। This yours? Yeah. All yours? Oh, three yours? ये तीनों मुखिया के बच्चे हैं, चीप है ना उसके बच्चे, एक तो तीन। भाई साहब वो वाला ना, वो वाला बहुत हरामी है। अभी हम लोगों ने, आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा ना, उसमें हम लोग हंटिंग करने गए थे, इससे कुछ होता नहीं था, हंट कर नहीं पाता था, ये किसी की कबूतर छीन के भगता था, किसी की चिड़िया छीन के भग जाता था, और कच्ची खा जाते हैं ये लोग। अब ये लोग सारे हंटिंग करके, आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा, तो हम लोग हंटिंग करके आए थे, हंटिंग करके अभी यहाँ पे बैठे हैं। अब मैं इनका कल्चर वगैरह दिखा रहा हूँ, क्या इनका एक्टिविटी होता है वो दिखा रहा हूँ इनको। और ये हमारे गाइड है दो, वॉट इज दिस? और अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इनका जो लोकल मेडिसिन वगैरह है, कैसे क्या मेडिसिन तैयार करते हैं हरजावे ट्राइब, उसमें ट्राइब। सो ये कुछ मेडिसिन तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। That's like to the wound. Yeah. And also to the during the night to the mosquito. We can put it for against mosquito. It's smelling very good. For the mosquito. No, no, coco in game. As a lotion, as a perfume sometimes. Very nice. ये है जो ये लगाते हैं, घावा हो जाते हैं उसमें भी ये लगाते हैं, यदि मॉस्किटो, इसको मॉस्किटो नहीं खाते इसको लगाने से, और इसको परफ्यूम, एज ए परफ्यूम भी यूज़ करते हैं। मुझे परफ्यूम जैसा तो इसमें कुछ आ नहीं रहा, लेकिन परफ्यूम भी यूज़ करते हैं, एज ए परफ्यूम भी यूज़ करते हैं इसको। वाओ नाइस, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे थोड़ा सा छेद करते हैं बस, इसके थोड़ा सा वो लगाएंगे, तीर लगाएंगे, और यहाँ से ये कुछ वाइट टाइप का, सैड टाइप का कुछ आने लगता है। ये देखो थोड़ा सा टच करते ही बस ये निकलने लगता है।
लोकल मेडिसिन आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं से अपना लोकल मेडिसिन वगैरह तैयार कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं इनको सब पता होता है कि कौन सा पेड़ पौधा किस मेडिसिन के काम आएगा। या अम्मा आपको इनके घर दिखाता हूँ, इनके घर कैसे क्या बने हुए होते हैं। शायद मैंने पहले वाले वीडियो में पता नहीं दिखाया था या नहीं दिखाया था। देखो ये बड़ा सारा पेड़ है और ये पेड़ में ये यहाँ पे गेट बना रखा है इन्होंने और अंदर काट पीट के और आप देख सकते हैं इसको घर बना लिया इन्होंने। ये लोग जब बारिश आती है वैसे तो बाहर ही रहते हैं लेकिन जब बारिश आती है ना तब ये इसके अंदर रहते हैं। क्या लाइफ है इनका यार सही में। ये दुनिया के लास्ट हंटर गैदरर्स है जो अपने पूर्वज थे, जैसे अपने पूर्वज रहते थे ना, जैसे सालों पहले अपने क्या कहूँ बाप दादा या एंसेस्टर वगैरह जो रहते थे पुराने, मतलब आज से 10-15-20 साल 15,000 साल पहले जो भी आप जितना भी मान लो आज भी है उन्हीं तौर तरीकों से जीते आ रहे हैं। और ये हैं गांव के मुखिया। ये चीफ का बच्चा है, ये चीफ का बच्चा है जो ग्रुप का चीफ है लीडर है उसका बच्चा है ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला। इनमें जो शिकार करते हैं ना, एक्चुअली आज मैं जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हम शिकार करने गए थे तो ये कोई बड़ा शिकार नहीं पकड़ पाए। हो सकता है मे बी मैं दोबारा इनके साथ निकलूँ शिकार करने तो उस वीडियो में आपको बबून वगैरह या कोई बड़ा एनिमल वगैरह उसका हंटिंग दिखा सकूँ यदि मैं जाना हुआ मेरा तो। अब ये थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे हैं, सुबह सुबह हंटिंग करके आ गए और मस्ती मजाक कर रहे हैं अब। एक्चुअल ये लोग ना इनको यदि शिकार काफ़ी बड़ा शिकार मिल जाता है ना तो ये उसी को 3-4-5 दिन तक उसी को खाएंगे, जितने दिन वो चलेगा ना उतने दिन ये उसी को उसी से काम चलाएंगे उसी को खाएंगे ये लोग। ये कुटिया भी बना रखी है यार इन्होंने छोटी सी। कुटिया भी बना रखा है एक छोटा सा और एक वो पेड़ में बना रखा है सोने का पेड़ में बना रखा है इन्होंने रहने के लिए बारिश के टाइम में रहने के लिए। और ये अब यहाँ पे अपना गांजा वांजा बनाएंगे, गांजा वांजा यूज करेंगे। अभी सारे शिकार से आए हुए हैं, सारे थके हुए हैं तो अब गांजा फूकेंगे, गांजा फूकने के बाद फिर ताकत मिलेगी फिर वापस से शिकार के लिए निकलेंगे ये लोग। या यू लीव। ये देखो ये बच्चा नेम अखनाबे अवलंगा। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सीख गए इनकी। नाम वाम पूछना सीख गया। अवलंग अखनाबे अवलंग अखनाबे कैलाश। ये था इनका ट्रेडिशनल डांस। या बहुत मजा है। ये एक भाई है जो उस टाइम जब मॉर्निंग में हम मिले थे तब एब्सेंट था तो इसका नाम है
नहीं आ रहा मुझसे. बहुत मजा आया यार इसको मिलके. ये मुखिया है जो इनकी चप्पल वगैरह तैयार कर रहे हैं अब. ये मुझे समझा रहे हैं कि ये जो मुखिया है ना ये चप्पल बना रहे हैं बच्चों के लिए. ये बच्चों की चप्पल वगैरह फट गई है तो चप्पल वगैरह बना रहे हैं ये. सो अब ये लोग विदा करने आ गए अपने को. आप चलते हैं इनसे लेते हैं विदा बोलते हैं इनको बाय बाय. बहुत एमिकेबल पर्सन है यार ये. बहुत मतलब मिलनसार लोग हैं. आपसे जल्दी घुल मिल जाएंगे. आपको अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे और भी काफ़ी कुछ एक्टिविटी करने को मिलेगी आपको. ये हम लोग बाइक से आए थे यहाँ पे. हम लोग बाइक से आए हैं यहाँ पे. अब हम लोग वापस आएंगे. सो ये था इस वीडियो के बारे में यार. मैंने आपको अरजावी ट्राइब की घर वगैरह मेडिसिन वगैरह ट्रेडिशनल डांस वगैरह ये सब दिखाया. तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ. आई होप यू लाइक द वीडियो. यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यार यहाँ तक आना और इन ट्राइब्स को दिखाना इतना आसान नहीं होता और ना ही सस्ता होता है. आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यूट्यूब पैसा देगा. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक और कमेंट भी जरूर. आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा. और वीडियो को लाइक करके जाना. और यदि आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हैं. फिर मिलते हैं किसी एक वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.